यूपी के चंदौली में एक ट्रक की चपेट में आने से एक 12वीं के छात्र आलोक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने चंदौली मुगलसराय मार्ग पर जाम लगा दिया और ट्रक में भी तोड़फोड़ की। सूचना पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई। लोगों को समझा बुझाकर पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। हालांकि इस दौरान आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। हम लोग की मांग यही है सर कि इस पे जो कि ट्रक जो है बंद कर दिया जाए, एकदम वर्जित कर दिया जाए, इस पर ट्रक न चलाया जाए। और प्रशासन से ये भी कहना है कि स्कूल के जो कि बसों और गाड़ियों को जो कि सीलो कर दिया जाए। ये हिनौली में आज एक दुखद घटना हो गई है। जो मुगलसराय की तरफ से एक ट्रक जा रही थी, कोयला लदा हुआ ट्रक खड़ी है यहीं पर, उसे एक इंटर पढ़ने वाले 17-18 साल के लड़के आलोक का दुर्घटना हो गया है और दुर्घटना में आलोक की मृत्यु हो गई है। हम लोग जो है इस पर मौके पर आए, पब्लिक भीड़ थी, पब्लिक थोड़ी आक्रोशित थी, लेकिन उन लोगों को समझा बुझाकर हम लोगों ने शांत किया है। मौके पर स्थिति शांतिपूर्ण है, जो भी विधिक कार्रवाई है कानूनन उसको किया जाएगा और रोड सुरक्षा के लिए जो भी यातायात के नियम हैं इनके लिए कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। और सहायता के संबंध में प्रशासन द्वारा शासन को